हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ E88 Pro, एकदम कमाल धमाल और नया ड्रोन। तो यार आप सब लोग भी जानते हो, बहुत दिनों के बाद अमेजोन पर कोई नया ड्रोन आया है। अदरवाइज यार मुझे तो लगा था कि ड्रोन खत्म हो चुके हैं, अब कभी आएंगे ही नहीं, लेकिन ये ड्रोन जो है एकदम कमाल का है। और ये ड्रोन आपको दो बैटरियों के साथ मिलता है यार, इसके फीचर भी कमाल के हैं, सब कुछ कमाल का है। तो रुको, सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो को देख लो, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा क्या क्या बॉक्स कंटेंट है और किस तरीके का ये ड्रोन है। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेता हूं। तो गाइज ये देख सकते हो, इसका आपको कोई भी एक्चुअल बॉक्स नहीं मिलेगा। एक्चुअली मैं आपको जो है ना, ये केस इसके साथ बिल्कुल एकदम फ्री में मिलेगा, फ्री में। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये केस आपको फ्री में मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इसकी एक्सेसरीज वगैरह रखी गई हैं, उसी के साथ बॉक्स में कितने अच्छे तरीके से हर चीज़ को डिटेल में यहाँ पर रखा गया है। और यार सबसे पहले ना मैं आपको इसका पेपर वर्क दिखा देता हूँ। तो ये देख रहे हो आप, ये है इसकी यूज़र मैनुअल, जिसके अंदर आपको ड्रोन किस तरीके का है, क्या क्या पार्ट यूज़ किए गए हैं, रिमोट कंट्रोल के अंदर कौन सी की क्या वर्क करती है, वो सब आपको यहाँ पर शो किया गया है। बिगिनर हो तो ज़रूर से पढ़ लेना। उसी के साथ यहाँ पर एक और मैनुअल आपको मिल जाती है, यहाँ से इसको स्कैन करके आप जो है इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल के अंदर, जिसका नाम है RCFPV। आप जो है iOS एंड्रॉयड में दोनों में इसको सर्च करके जो है डाउनलोड कर पाएंगे। तो कुछ ऐसा इंटरफेस होगा एप्लीकेशन का, आप देख लीजिए एक बारी। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में। उसी के साथ गाइज अब बात करेंगे इसकी एक्सेसरीज की, जो कि देख रहे हो कितनी ज़्यादा बड़ी सी पॉलोथीन है। तो चलो सबसे पहले मैं करता हूँ इसको ओपन और सारे सामान को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। गाइज सबसे पहले पॉलोथीन के अंदर से आपको देखने को मिलती है ये इसकी चार्जिंग केबल, जो कि इस ड्रोन की बैटरी को 1 आवर के अंदर फुल्ली चार्ज कर देगी, क्योंकि ड्रोन की जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। अभी मैं आपको सब कुछ शो करने वाला हूँ। बाकी यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा में प्रोपेलर्स मिल जाती हैं, किसी वजह से कोई भी प्रोपेलर आपकी डैमेज होती है ना, तो आप उसको ईजिली रिप्लेस कर पाएंगे। उसी के साथ यहाँ पर मिलता है एक स्क्रू ड्राइवर, जिससे कि आप अपने ड्रोन को बहुत ही ईजिली रिपेयर कर सकेंगे। और यहाँ पर मिलते हैं आपको 4 प्रोपेलर गार्ड्स, यदि किसी वजह से आपका ड्रोन जो है इधर उधर टकरा जाता है तो इसकी प्रोपेलर्स को कोई भी डैमेज नहीं होने वाला है। तो इनका यूज़ करने के बाद ही यार अपने ड्रोन को अच्छे से फ्लाई करना। तो बाकी अब बात करते हैं, ये है इसका रिमोट कंट्रोल। तो आप देख रहे हो ना, रिमोट कंट्रोल के ऊपर यार कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है, मज़ा आ रहा है, क्योंकि यार बहुत दिनों के बाद किसी नए ड्रोन की अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। ड्रोन तो अनबॉक्स और भी किए हैं मैंने, लेकिन ये एकदम नया ड्रोन है। रिमोट कंट्रोल आप देख लो, सारी की वही वर्क करती हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। ये डायरेक्शन के लिए है, ये अप डाउन लेफ्ट रोटेट राइट रोटेट के लिए, 1 की टेक ऑफ लैंडिंग, तमाम फीचर्स आपको इस ड्रोन के अंदर मिल जाते हैं। उसी के साथ यहाँ पर ये है इसका सेल कंपार्टमेंट, जो कि सेल भी आपके ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं, बस आपको इसके अंदर 3 सेल इंसर्ट करने होंगे। तो 1, और ये मेरा सेल नंबर 2, और ये मेरा सेल नंबर 3। तो तीनों सेल मेरे हो गए हैं इंसर्ट। तो चलिए इसको कर देता हूँ मैं बंद। तो लीजिए गाइज, ये भी यहाँ से बंद हो गया है, और एक बारी ऑन करके देखते हैं। तो देखो गाइज, यहाँ पर ये इंडिकेटर लाइट जो है ब्लू कलर की ग्लो हो चुकी है। तो अभी क्या है, यहाँ पर नीचे की तरफ इसमें जो है ना आपको मोबाइल फ़ोन होल्डर मिलता है, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल लगा के अपना ईजिली भाई आराम से फ्लाई करो, देखते देखते कि आपका ड्रोन कहाँ पर जा रहा है, कैसी कैसी फुटेज वो ले रहा है। तो चलो इसको भी रखते हैं यहाँ पर ही। और उसी के साथ फाइनली गाइज यहाँ पर मेरे हाथ में है इस वीडियो का हीरो, जो कि है एकदम कमाल धमाल का ड्रोन E88 Pro। और यहाँ पर है एक बैटरी, जिसके साथ मिलती हैं आपको 2 बैटरीज, और एक बैटरी जो है वो है 3.7 वोल्ट 1800 mAh, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा बड़ी बैटरी है। 1800 mAh यार बहुत ज़्यादा हो जाता है। और एक बैटरी आपकी यहाँ पर है, और एक बैटरी आपकी मिलती है आपको ड्रोन के अंदर। तो यहाँ पर एक बैटरी रखी गई है इसके अंदर, तो ये भी सेम वोल्टेज सेम रेटिंग की है, ये देख लो। तो इसको मैं यहीं पर इंसर्ट कर देता हूं। अब बात करते हैं इसकी चार्जिंग के बारे में, तो चार्ज कैसे करनी है आपको। तो ये जो है आपको यहां से अपने जो मोबाइल का चार्जर होता है उसके अंदर इंसर्ट करने के बाद, आप जैसे ही इसको यहां पर लगाएंगे ना, तो आप देख रहे हो यहां पर आपको जैक मिल जाता है, और इस जैक के अंदर आपको यहां पर इंसर्ट करना है। तो यहां पर इसके नीचे की तरफ एक रेड कलर की लाइट जो इंडिकेट करेगी, और जब वो लाइट ऑटोमेटिकली अपने आप से बंद हो जाएगी तो समझ जाना कि बैटरी आपकी फुल्ली चार्ज हो गई है। तो चार्जिंग केबल के अंदर कोई भी लाइट नहीं ग्लो करेगी, यहां पर ही लाइट ग्लो करेगी। तो ये था इसका चार्ज करने का फंडा।
तो चलिए गाइस बात करते हैं अपने ड्रोन के बारे में। तो यार देख लो ड्रोन कितना ज़्यादा अमेजिंग है, फोल्डेबल है और यहाँ पर है सुपर टॉय की ब्रांडिंग, क्योंकि ये ड्रोन आपको सुपर टॉय, अमित आशा इन दोनों जगह पर ही देखने को मिलेगा। और अगर आप थर्ड पार्टी से बाय करोगे तो यार मुझे नहीं लगता वो ट्रस्टेड है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। बाकी देख लो यहाँ पर आपको एक लाइट मिलती है और पीछे की तरफ यहाँ पर भी आपको एक इंडिकेटर लाइट मिलती है, उसी के साथ फ्रंट में आपको दो इंडिकेटर लाइट मिलती हैं। अब यार जो लोग जानते हैं ना ये किसकी कॉपी है वो बता सकते हैं, आप इसको DJI Mavic Mini का क्लोन भी कह सकते हो। यहाँ पर नीचे की तरफ भी आपको एक कैमरा दिया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो दो कैमरे आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज अब करते हैं इसको अनफोल्ड। तो मैं तो यार बहुत ज़्यादा उतावला हो रखा हूँ क्योंकि इसको अनफोल्ड करने के बाद जो इसका बड़ा सा लुक मेरे सामने आने वाला है ना वो एकदम अमेजिंग होने वाला है। ओ माय गॉड। तो गाइज ये जो है ना पूरा ही DJI Mavic Mini लग रहा है भाई, मुझे तो सच बता रहा हूँ DJI Mavic Mini ही है ये। और यार अब तो बस मैं ना रुक नहीं पा रहा हूँ, इसकी फ्लाइंग मुझे देखनी है, इसका कैमरा मुझे देखना है। इसके अंदर इसके जो फोर प्रोपेलर गार्ड है ना उनको इंसर्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता इतनी प्यारी चीज़ मेरे हाथ से किसी भी तरीके से डैमेज हो जाए। तो इनको लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, सबसे आपको यहाँ से ऊपर की तरफ इसको ऐसे कर देना है। ये देख लो गाइस कितना ज्यादा आसान है यार लगाना। बाकी गाइस प्रोपेलर गार्ड्स लगने के बाद ये ड्रोन कितना ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है यार, मैं क्या ही बताऊं आपको, एकदम मजा आ गया देखने के बाद। यहां से मैं इसको पहले ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये देख लो गाइस कितनी कमाल की और शानदार लाइटनिंग इसके अंदर यूज की गई है यार, बिल्कुल ना क्लोन है ये DJI Mavic Mini का, सच बता रहा हूँ बहुत ज्यादा मजेदार है। यहाँ पर लिखा गया ड्रोन प्रो, ये है E88 प्रो ड्रोन। और ये देख लो भाई मैं इसको यहां से कनेक्ट करके आपको दिखा दूं। तो गाइस देख लीजिए इजीली कनेक्ट हो जा रहा है और एक बारी जब मैं इसको ऊपर करूंगा वाओ गाइस अमेजिंग। नहीं नहीं यहाँ पे नहीं उड़ाऊंगा, अब चलते हैं सीधा ग्राउंड में और आपको इसकी फ्लाइंग टेस्टिंग दिखा देता हूँ, कैमरा टेस्टिंग भी करके दिखा देता हूँ। तो बाकी गाइस आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मैं ग्राउंड के अंदर आ चुका हूँ ड्रोन को लेकर के। तो चलिए फटाफट से करते हैं इसका फ्लाइंग। ओ गाइस ये देख लीजिए ड्रोन जो है हमारा हवा में जा चुका है और कितना ज़्यादा स्टेबल है वो आप अंदाजा लगा ही सकते हो। तो देख लो भाई जब आप इससे कोई भी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करोगे ना तो ये इस तरीके से ही आपको स्टेबिलिटी देगा। बाकी ग्राउंड में हवा है उसके बावजूद भी कितना ज़्यादा स्टेबल है। और वैसे भी इसके अंदर जो है ना आपको बहुत ज़्यादा मोड्स मिल जाते हैं, तीन स्पीड मोड मिलते हैं, 1 और ये देखो 3, तीन बार बीप हुई इसका मतलब तीसरा स्पीड मोड। और देखो कितनी तेज़ी में ये आगे पीछे दाएं बाएं इस तरीके से हो रहा है। तो ड्रोन तो यार मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलो थोड़ी हाइट पे लेके जाते हैं तो देख लो गाइस कि रेंज जो है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। करवाता हूँ 360 फ्लिप, ये देख रहे हो कितनी अच्छे तरीके से 360 फ्लिप परफॉर्म कर दी। वाओ गाइस अमेजिंग, ये देख के तो यार एकदम मज़ा आ गया, कितने अच्छे तरीके से 360 लगा दी यार इसने, सच बता रहा हूँ ड्रोन बहुत ज़्यादा कमाल का है। और वैसे भी आप जानते हो क्लोन है DJI Mavic Mini का, और जब DJI Mavic Mini का सारा ही डिज़ाइन है तो यार मज़ा कैसे नहीं आएगा फ्लाई करने में, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और यार सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे ये लगी है कि इसके अंदर हमें दो बैटरी मिल जाती हैं और दो बैटरी को यदि आप लगातार यूज़ करोगे तो आपको एक बैटरी 12 मिनट का फ्लाइंग टाइम देती है, दूसरी बैटरी भी 12 मिनट का देती है, तो 24 मिनट का फ्लाइंग टाइम हो जाता है। और मैं अपनी लाइफ में पहला ऐसा टॉय ड्रोन फ्लाई कर रहा हूँ जिसके अंदर मुझे 24 मिनट का फ्लाइंग टाइम मिला है। अभी तक मुझे कोई भी टॉय ड्रोन के अंदर 24 मिनट का फ्लाइंग टाइम भाई मिला ही नहीं है। ये देख रहे हो कंट्रोल्स, देखो कंट्रोल्स देखो कितने ज़्यादा गजब हैं इसके, एकदम झट से नीचे झट से ऊपर, मतलब कुछ भी करने की ज़्यादा फालतू की ज़रूरत नहीं है। और देखो वाओ गाइस अमेजिंग, तो ड्रोन तो यार मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगा है। अब गाइस जो मेरे हैप्पी व्यूवर्स हैं जो कि मुझसे लगातार कमेंट करके पूछते हैं क्योंकि बेस्ट ड्रोन बताओ अंडर 4000 अंडर 5000, तो यार फटाफट से जाओ इसको अभी जाके बाय कर लो क्योंकि ये बहुत ही जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है। तो इसका बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको दे दिया है, पहले लिंक के थ्रू यदि आप जाएंगे तो आपको सिंगल बैटरी के साथ ये मिलेगा। अगर आप डबल बैटरी के साथ इसको बाय करना चाहते हैं तो ये आपको तकरीबन 4999 के प्राइस में मिल जाएगा, लेकिन वहां पर मिलेगा आपको 24 मिनट का फ्लाइंग टाइम। तो यार फटाफट से देरी मत करो क्योंकि ऐसी डील जो है ना आपको बार बार नहीं मिलेगी। तो अभी बोल रहा हूं फटाफट से जाओ इसको अभी जाके बाय कर लो।
गाइज ये है इस ड्रोन की कैमरा फुटेज जो कि कितनी ज्यादा क्लियर है ये मुझे कहने की जरूरत तो कुछ है नहीं। बाकी अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, इसके अंदर आप हर एक चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ग्रीन कलर कहां पर, सोइल का कलर कैसा है, ट्री कहां पर है। तो यार इतना ज्यादा बढ़िया कैमरा एक टॉय ड्रोन के अंदर आपको मिल रहा है तो इससे ज्यादा बढ़िया बात क्या ही होगी। तो मेरे हिसाब से ये जो ड्रोन है आपके लिए एकदम बेस्ट है। इसकी फ्लाइंग वाइज आपको ले लो, डिजाइन ले लो, इसका कैमरा ले लो, बैटरी बैकअप ले लो, किसी भी तरीके से ले लो, ये ड्रोन आपके लिए एकदम बेस्ट होने वाला है। और अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर थोड़ी बहुत धुंधली इसकी फ्लाइंग टेस्ट आ रहा है ना, ये जो कैमरा फुटेज है धुंधला आ रहा है, तो ये आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है। जब आप इसको रियल टाइम में यूज करोगे ना तो आप सिर्फ एक ही बात बोलोगे, ओ माय गॉड ये ड्रोन एकदम लाजवाब है। तो इसका बहुत जल्द मैं पार्ट टू बनाने वाला हूँ क्योंकि इसका जो ऐप है ना जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आपको दिए गए हैं, तो डिटेल में मैं पार्ट टू के अंदर इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करूंगा, वहीं पर डिटेल में बात करूंगा मैं इसकी फ्लाइंग के बारे में और कैमरा के बारे में। तो पार्ट टू के लिए सब्सक्राइब कर लो अभी इस चैनल को, और अगर आप इस ड्रोन को अभी ही बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका बाय लिंक मैंने दे दिया है। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।